गुलबर्गा शहर के साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कैंडिडेट श्री दत्तात्रेय सी पाटिल रेवूर के फाइल नॉमिनेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कर्नाटका श्री अरुण सिंह जी ने खिताब करते हुए कहा कि इस रैली में सिर्फ सरों का समंदर दिख रहा है, सामने भी देखो या पीछे भी देखो। इससे ये साबित होता है कि इस बार दूसरी पार्टियों का जमानत जब्त करेंगे और भारी अक्सरियत से जीतेंगे और कहा कि ये अप्पू गौड़ा सुपरस्टार है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों को वो अपने घर के प्रोग्राम में डांस नहीं करते, लेकिन इस अप्पू गौड़ा के रैली में डांस कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ की आवाम अप्पू गौड़ा को दिल से चाहती है और इस बार कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की ऐतिहासिक जीत होगी, कहा अरुण सिंह जी ने। और कहा कि हमारी सरकार और एमएलए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम किया है और यहाँ की आवाम अप्पू गौड़ा को भारी अक्सरियत से जिता के लाओ, हमारी पार्टी इनका ख्याल करेगी, कहा। और कहा कि इतना बड़ा युवा चेहरा मिलता कहाँ है, और कहा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अप्पू गौड़ा इज अ सुपरस्टार, कहा अरुण सिंह जी ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्या कलबुर्गी, कलबुर्गी साउथ में जिस प्रकार से इधर भी लोग दिख रहे हैं और पीछे भी हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं, चारों ओर संख्या ही संख्या दिख रही है, यह बात सुनिश्चित हो गया कि दत्तात्रेय पाटिल जी, अप्पू गौड़ा पाटिल जी इस बार दूसरी पार्टियों का जमानत जब्त करेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मैं देख रहा था तो सुपर स्टार है, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को वो अपने घर के कार्यक्रम में डांस नहीं करते, लेकिन अप्पू गौड़ा पाटिल को इतना प्रेम कर रहे थे, यहाँ पे पूरा डांस कर रहे थे। और आज इन्होंने नॉमिनेशन किया, नामांकन किया, मुझे मालूम है ये बहुत बड़े शिव भक्त है, शिव की पूजा करते हैं, और मैं भी काशी से चल के यहाँ पे आए हूँ, मेरा भी घर काशी में है। मेरा सौभाग्य मिला कि आपके नॉमिनेशन और आपके कार्यक्रम में अप्पू गौड़ा के रहने से इतने रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे, रिकॉर्ड मतों से। कांग्रेस के लोग यह समझ ले, चाहे सिद्धरमैया हो, चाहे डीके शिवकुमार हो, चाहे खड़गे जी हो, यह कर्नाटक के इतिहास में सबसे कम सीट इस बार आएगी कांग्रेस की, नोट कर ले। प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, गांव गरीब किसान के मसीहा है, कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार चल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में ऐतिहासिक विजय होगी, हिस्टोरिक विजय होगी। 150 से अधिक सीट हम जीतने वाले हैं, 150 से अधिक सीट। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए जिस प्रकार से काम किया है, आज कर्नाटक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन है, इनोवेशन इंडेक्स में नंबर वन है, एफडीआई में नंबर वन है, सभी स्थानों पे आज कर्नाटक विकास के मामले में नंबर वन है पूरे देश भर में। इसलिए इस बार के चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी अप्पू गौड़ा पाटिल को कितने से जिताओगे जरा बताओ भाई, कितने से? मैंने सुना नहीं, कितने से? पक्का पक्का पक्का? तो आप इनको 50,000 से जिताओ और पार्टी इनका बहुत ध्यान रखेगी, हम मान के चलो, समझ गए ना?
समझ गए सब लोग, तो 50,000 से ऊपर से दिखाओ और इतने बढ़िया युवा चेहरा मिलता कहाँ है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चलिए।